मित्र सहेलियों ते बहनों ते भेलियो आपके भाई की कॉमेडी की एपिसोड नंबर 10 लेके आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। यार क्या थ्रिलिंग किस्म का मैच हुआ है, यार क्या थ्रिलिंग किस्म का मैच हुआ। इतनी उल्टियाँ तो बंदे को रोलर कोस्टर पे नहीं आती जितनी इंडिया पाकिस्तान देखने मैच देखने में आती है। यार जो बुजुर्ग लोग हैं मेरे उनसे यही गुजारिश है कि आप मैच इंडिया पाकिस्तान ऐसे मैच ना देखा करें, नहीं तो सब दिल के मरीज़ बन जाएंगे। यार क्या थ्रिलिंग किस्म का मैच हुआ, दोनों टीमों ने क्या फाइट बैक किया है, दोनों टीमों ने आला किस्म की लड़ाई की है, शेरों की तरह लड़े हैं पाकिस्तानी भी। यार टेंशन नहीं लेनी है, अभी पाकिस्तान टीम को मेरा यही मैसेज है कि अभी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, आज बस शेरों की तरह लड़ते जाना है। अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दिया हुआ यार, क्योंकि क्रिकेट मुझे लगता है नसीब की बने, आपको पिछली वीडियो में भी कहा है कि नसीब की गेम भी लगती है। अच्छा दूसरी तरफ हमारी ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि भाई वो बॉल थी कि नो बॉल थी कि नहीं थी। अच्छा तो सबसे पहले तो बॉल, क्योंकि डीप यार एक स्पिनर जब आपको एक बीम फास्ट बॉलर बॉलिंग कराता है ना, तो उसका जब हारिश रोफ आपको एक बीमर मारे जो रॉकेट की तरह आपके पास उड़ता हुआ आ रहा हो, वो बंदा कहेंगे नो बॉल है पड़ी। लेकिन अगर स्पिनर के आप फिर क्रीज से आगे पैर क्रीज के बिल्कुल कोने पे खड़े, नहीं क्रीज से आप तकरीबन निकल चुके हैं, निकले ही हुए थे और आप शॉट उठा रहे हैं, लेकिन अगर बॉल क्योंकि डिप करता है, अगर आप डेढ़ यार बॉल अगर स्पिनर को तो बंदा डेढ़ मिनट में स्मैश करके छक्का मार दे टेनिस टेबल की तरह। यार फिर वो पैर साहब वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं छक्का कैसा छक्का गया। फिर जब कोहली ने प्रोटेस्ट शुरू करना किया भाई इसे ये वाइट है, ये वाइट है, ओ नो बॉल है, सॉरी नो बॉल है, फिर आपने जाके नो बॉल दिया। यार असल में तो ये होता है कि नेचुरली आपका हाथ रिलीज हो जाता है और आप नो बॉल दे देते हैं, लेकिन आपने गलत किया है। आपको अगर कोहली का भी हक है कि उसने कहा प्रोटेस्ट किया, लेकिन आपको चाहिए था कि आप दूसरे अंपायर से कहते कि वो थर्ड अंपायर के पास जाए, उससे फिर फैसला करने दिया जाता। लेकिन बाय द वे ये नो बॉल नहीं थी। वैसे रोंदी डालने की आपकी भाई की आदत नहीं है, लेकिन यार वो नो बॉल नहीं थी मेरे अंदाजे से। और बहुत सारे यार मैं आपको ये सारे ये ट्वीट्स आ गए, ये इन सब ने कहा है कि नो बॉल नहीं थी। अगर नो बॉल नहीं होती वो तो सिनेरियो कोई और होना था गेम का यार, लेकिन फिर भी अब क्या हो सकता है। यार दूसरी तरफ अभी मैं देख रहा था कि अभी आप देखें नीदरलैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ है, और देखें नीदरलैंड का खिलाड़ी कितनी यहाँ बॉल उससे ऊपर है, फेस से काफ़ी ऊपर है, लेकिन क्रीज पे से बाहर निकला और नो बॉल उन्होंने नहीं दी। तो यार वो भी आप दोनों तस्वीरों का आप दोनों का रिव्यू देख लेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, आप खुद आप आराम से देख सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं। यार क्या आला किस्म का मैच हुआ है, यार क्या फाइट बैक किया। पहले 10 ओवर में वो निकले हुए थे, दूसरे 10 ओवर में हम निकले हुए थे बैटिंग में, फिर उसके बाद जब उनकी बैटिंग हुई पहले 10 ओवर हम निकले हुए थे, उसके बाद वो निकले हुए थे। यार पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया कि पाकिस्तान पहले दस ओवरों में सबसे ज़्यादा विकटें लेने वाली और दूसरे 10 ओवरों में सबसे ज़्यादा रन खाने वाली टीम बनी। यार आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का 96 पे 5 आउट और 170 से ऊपर का चेस करना था, और बांग्लादेश के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में 56 पे 5 हों, लेकिन 170 चेस कर बना आपको चेस करने का उन्होंने टारगेट दे दिया। और दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ 41 पे 4 हों 10 ओवरों में, लेकिन वो चेस कर गई। यार कोहली क्या मर्द जवां, यार तो क्या आपके लिए ज़ोरदार क्लैपिंग, यार क्या मर्द जवां हो यार, क्या इनिंग्स के लिए। यार मैं यही कहता हूँ कि रिजवान और बाबर में यही स्पार्क नहीं है कि वो मैच फिनिश नहीं कर पाते, लेकिन यार बस वो ही पाकिस्तान का एक सहारा है। क्या मिडल, सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मेरे इफ़ी भाई को जाता है, जो भी उसे डिबेट करता था उसके मुंह पर उसे तमाचा मारा है, और जो शान मसूर की भी नहीं उसको हमने नहीं बोले, वो आखिर तक लड़ता रह गया। यार पहले तो किस्म हम कोई किस्मत के धरे हैं, पहले किस्मत हमारे साथ थी, आखिरी ओवर में उनके साथ चली गई, दो वाइटें। लेकिन यार मुझे नवाज़ की भी इसमें गलती लगती है, क्योंकि वो अपनी कैरेक्टर से बाहर चला गया था, वो मीडियम सीमर बन गया था, मीडियम सीमर लेफ्ट आर्म मीडियम सीमर, वो अगर उसे 3 छक्के खाने हैं तो वो स्पिन करा के खा रहे यार, जो अपना करेक्टर है उसे तो बंदा ना भूले। बस यार यही गलती थी बाबर आजम की, अब कुछ लोग उसे डिबेट का निशाना बना रहे कि बाबर आजम की गलती है, उसने ओवर उसे क्यों, यार बाबर आजम को ये सोच थी जब वो 3 ओवर में 48 पड़ा था, तो उसकी सोच ये थी कि स्कोर जाएगा ही नहीं, क्योंकि 3 जब उसने 17 स्कोर खाया तो 31 पड़ा था 2 ओवर में। अब उसको लगा कि हारिस रोफ पिछले सालों से
फिर उसने किया भी, पहली चार बॉलों में दिखाया, तीन स्कोर खाया, आठ गेंदों पे 28 पड़ा था, लेकिन उसके बाद कोहली का जो स्ट्रेट सी कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, बेस्ट सिक्स ऑफ द ईयर मैं उसे कहूंगा यार। क्या उसने छक्का मारा स्ट्रेट की बाउंड्री, 86 मीटर की बाउंड्री थी या 76 मीटर की, जो कि काफ़ी बहुत ही यार इतने, एक तो यहाँ काफ़ी ट्रिपल्स बने, काफ़ी डबल बने, बहुत लंबी लंबी बाउंड्रीज थी यार। उसके बाद जो एक बॉल पर यार नवाज, यार उसके ऊपर बहुत प्रेशर था। आप खुद सोचे कि अब जो बंदा इधर बैठ के मैच देख रहा होता है और जो बंदा उधर बॉलिंग करा रहा है उसके ऊपर कितना, आप खुद आपके दिल धक 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 धक, और उधर जो बॉलिंग करा रहा है उसके साथ क्या हालत होगी यार। और कमाल का खेल है नवाज भी, इंशाल्लाह आपको फिर से एफर्ट करके एशिया कप की तरह आएगा और आपको फाइनल में जिताएंगे। इंडिया आपको देखेंगे, फिर हम निपट लेंगे आपसे। इंडिया आपको मुबारकबाद हो, आपने इतना अच्छा खेला और आज आप खुशियाँ मना रहे होंगे तो आपको मुबारक भी हो, आप मैच जीते आज तो। कोहली साहब अगले 5 साल के थे कहीं नहीं जाते यार। कोहली रेल में एक अलग किस्म की इनिंग्स खेल के गया है और उसकी ये दो इनिंग्स हैं जो उसने खेली हैं वर्ल्ड कप में, और वो दोनों को बेस्ट कंसीडर करता था, लेकिन आज वाली को ज़्यादा अच्छी कंसीडर कर रहा है। तो यही बात होती है जब आप बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो उसे एक्सपीरियंस काम आया, वो क्या सोचा था कि मैंने निकाल, बीच में लगा कि वो जब 3 ओवर में 48 पड़ा था उसे लगा कि बस दो बोले 48 रन मीठी आई, फिर मीठा मीठा उसने भी हमें मीठा खिला के चलता बनाया यार। पहले तो कोहली को एक बात समझा दो यार कि यार तेरी फॉर्म हमारी दफ़ा क्यों आती है, तो और टीमों की तरह खिलाफ भी तो चल लिया कर, और टीमें भी तो हैं यार। उसके स्टैट्स देख लो, उसने सबसे ज़्यादा स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ मारा हुआ है यार। किसने तुझे बुली किया स्कूल में जो पाकिस्तान से माइग्रेट कर गया यार, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो डिसओन हो गया अब यार मेरे भाई। किस पाकिस्तानी लड़की ने तेरा दिल तोड़ा है, हम तुझे देंगे यार। यार भाई विराट कोहली तो किसी और टीम के साथ जाकर स्कोर बना पाकिस्तान को यार। इस बंदे ने देखे हर मैच, और पाकिस्तान हर मैच में 50 मारी है, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में एक मैच जीता है, लेकिन पिछले जो 4 मैच में 2 पाकिस्तान जीते। इंशाल्लाह फाइनल भी मुझे उम्मीद है पूरी पाकिस्तान और इंडिया का होगा, और पाकिस्तान इंशाल्लाह वर्ल्ड कप लेके आएगा अपने मुल्क में। यार देखें क्रिकेट का, पाकिस्तान की टीम बहुत आला खेली है, कोई भी उसे क्रिटिसाइज ना करे, जो मर्जी खिलाड़ी हो एज ए टीम खेले हैं। एक आधे यार अब उन्होंने एक आधे बंदे को पकड़ा, उन्होंने अक्षर पटेल को पकड़ा इफी भाई ने यार। पहले तो इफी भाई के लिए क्लैपिंग यार, क्या वो बंदा है, उसने जो बुज़ुर्गों सब बुज़ुर्गों के मुंह पर थप्पड़ मारे के भाई, बुज़ुर्ग कोई बुज़ुर्ग नहीं होता, हर कोई जवान होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे खेलते हैं, वो जो दिनेश कार्तिक है अपना, और 2007 के वर्ल्ड कप में भी उछल रहा था और अभी भी उछल के कैच पकड़े यार। बंदा की विकेट्स के पीछे इतना अच्छा है ना यार, कमाल है यार, वो कमाल यार प्लेयर। लेकिन कुछ लोग ये भी डिबेट कर रहे थे कि भाई वो फ्री हिट के बाद जब विकेट में लग गई तो फिर वो रन क्यों भागे यार, कि भाई डेड बॉल है यार। नहीं यार, ये रूल चेंज हो गया था, ये 2015 तक ये जो रूल है आ रहा है यहाँ पे, ये रूल था मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद चेंज हो गया, अब ये रूल है कि भाई वो बाई अगर विकेट को लग के निकल जाए तो अगर रन बना ले तो वो बाईस में काउंट होता है, अगर बैट को लग गई तो वो आपके स्कोर में भी ऐड हो जाता है यार। इस पर कोई टेंशन नहीं है, इस पर डिबेट कर सकते हैं कि नो बॉल नहीं थी मेरे अंदाजे, थर्ड अंपायर को रिव्यू लेना चाहिए था यार। देखते आगे आईसीसी क्या एक्शन लेता है। मैं अभी कुछ जराए से खबरें आ रही हैं कि अंपायर पर 6 दिन का बैन लग, और लाख रुपये जुर्मा, लाख डॉलर जुर्माना भी लगा है। देखते हैं अभी ऊपर पक्की स्टेटमेंट आने दे, फिर आपको पूरा यहाँ पे का भाई बैठा नहीं आपको बताने के लिए यार। दूसरी तरफ शान मसूर ने क्या अलग किस्म की इनिंग्स खेली है। पहले तो 4 महीने से फोरकास्टिंग कंडीशन थी और आपका भाई दुआएं कर रहे थे कि बारिश ना हो, उसके बाद जैसे ही पहला ओवर गुजरा हमारी दुआएं शुरू हो गई, बारिश हो जाए। पहले 3 ओवर में तो हम बल्ले से खेल ही नहीं रहे थे, हमारी एक बॉल भी बल्ले को टच नहीं हुई, साफ पैर से खेल के एक दो रन बना लिया हमने, बस हमारी बल्ले को एक आधी भी नहीं लगी।
तो यार बस पहली दफा जब असल में टॉस भी मैटर करना था ना, टॉस भी मैटर कर गया, टॉस जो जीता, फोरकास्टिंग कंडीशन सी, विकेट में भी शुरू में कुछ था, उसके बाद विकेट में यार, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी में हम बात कर लेते हैं कि यार वो फिट हो गए, लेकिन उसके यार 2-3 मैच लगेंगे रिद, लेकिन तब तक तो वर्ल्ड कप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यार इंशाल्लाह अगले मैच में रिदम पकड़ेगा यार, वो 2 महीने बाद रिकवर करके यार। लेकिन एक चीज़ की कमी नजर आएगी, आपके पास एक ऑलराउंडर होना चाहिए जो पेस बॉलिंग करा जाए, हार्दिक पांड्या, वर्ल्ड का बेस्ट हार्दिक पांड्या। भी वैसे छक्का तुमसे भी नहीं लगा बेटा, जो तुम बड़े स्वैगू बने हुए थे ना, और भाई वो अगला स्वैग में हैदर अली को हंस हंस के दिखा रहा है कि सारी लड़कियाँ मुझे दे रही है, और स्वैग में आ गया 1 लाख यार, क्या 1 लाख बंदे के सामने वो स्वैग में आ गया। लेकिन यार उसने भी सिर्फ नवाज को 1-2 छक्के मारे, उसने भी बाकी मिस ही किए, सारी रन छन बनाए उसने भी, उसे भी यार बेचारे नवाज, यार नवाज बेचारे की किस्मत ही ख़राब है यार। यार क्या अलग से क्राउड था, क्या 1 लाख आदमी के दरमियान में जाओ, बहुत प्रेशर सिचुएशन होती है यार, बहुत। जो नमाज वेल डन बॉय, इंशाल्लाह आप मैच विनर हो, हमारे मैच आगे जिताओगे इंशाल्लाह आप हमें, यार 1 लाख क्राउड के सामने आपको। और दूसरी तरफ यार बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ के मैच देखा दोनों पाकिस्तानी और इंडियन अवाम ने, तो यही बाकी नेशंस को भी यही मैसेज आता है, आप समझ तो गए होंगे, समझ तो गए होंगे जो लड़ाइयाँ करती हैं उनको यही मैसेज है कि यार आप आराम से, जैसे पाकिस्तान इंडिया की वर्ल्ड दहशत राइवलरी है, लेकिन फिर भी वो आराम से बैठ के मैच देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं सारे, ए आधा स्टैंड इंडियन आधा स्टैंड पाकिस्तानी, एक स्टैंड पूरा इंडियंस का होता है, एक स्टैंड पूरा पाकिस्तानियों का होता है, फिर भी वो मोहब्बत से बैठ के मैच देखते हैं। दूसरी नेशंस को भी यही मैसेज है, जो आप समझ तो गए होंगे मेरी बात। तो यार क्या अलग किस्म की फाइट बैक हुई, लेकिन वो नो बॉल नहीं थी यार, नो बॉल नहीं थी, नो बॉल नहीं, नो बॉल ना होती और आपका भाई, आपके भाई की टीम पाकिस्तान मैच जीत जाती यार। मरियस एरेस्मस मोटे गपलू, आप ये जाके देखे पहले, वो छक्का कैसे एंजॉय कर रही है। They hit 6 of 3 now. Is there another twist in this game? It's India's at the moment. यहाँ पे आ रहा, देखे वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है यार, क्या यार आप। इस तरह पाकिस्तान ने यार पहले तो पाकिस्तान को बैटिंग पे, हम पाकिस्तानियों की दुआएं शुरू हो गई थी बस पहले 3 ओवरों के बाद, लेकिन उसके बाद हमें, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर जो शदाब और हैदर ने शॉट्स के लिए, ये बिल्कुल फजूल शॉट्स थी, क्योंकि यार आपने उनको पूरा मोमेंटम जो हमने 92 हमें 180 नज़र आ रहा था वहाँ से, लेकिन फिर पहुँचे हम 159 पे, यार 20 एक रन शॉर्ट हो गए जिसकी वजह से रिदम टूट गया था यार। तो बस यार दो बहुत अच्छा मैच खेला इंडिया, जो इंडिया का अच्छा एक और रिकॉर्ड भी बना है रोहित शर्मा ने, वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड है वो ये है भाई जन, 15 की एवरेज है भाई जन की, और ये पाकिस्तान, ये विराट कोहली पाकिस्तानियों के साथ रुकता नहीं है, ये चलता नहीं है यार। तू तेरा वो पार्टनर है विराट कोहली, तो उससे कुछ सीख ले, दोनों ड्रेसिंग रूम में एक ही शेयर करते हो यार, मर्जी है। तो बस यार इस वीडियो को यही पैन करते हैं, दोनों ने बहुत ही अलग किस्म की फाइट बैक की, मैं इंशाल्लाह आगे भी ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। पाकिस्तान का इंशाल्लाह नेक्स्ट शेड्यूल ये आ रहा है, पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच है 27 को 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जिम्बाब्वे के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं सीधा वीडियो डालूंगा कि कॉमेडी की जिम्बाब्वे के साथ मैच वाली, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।